अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप फोटोशॉप की इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको इसको वीडियोस को देख के और फोटोशॉप सीख के, और वो भी फोटोशॉप ऐसा जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे हैं डे बाय डे। इस वीडियो में भी हम पुरानी वीडियोस की तरह यही देखेंगे, जिस तरह आपको याद होगा कि आपने लास्ट वाली वीडियो में सिलेक्शन बनाई थी, राइट? इस वीडियो में भी आप इसी तरह करेंगे, लेकिन उसी सिलेक्शन को एक नए लेवल पर लेके जाएंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्विक मास्क मोड क्या होता है, ठीक है? क्विक मास्क मोड बेसिकली कहते हैं हम मास्किंग के एक तरीके को, उसका नाम है क्विक मास्क मोड, ठीक है? तो उसमें होता है ये कि आप अपनी एक सिलेक्शन बनाते हैं और सिलेक्शन का बेसिकली कलर डिफाइन हो जाता है। आपने जैसे कि देखा होगा, हमने लास्ट वीडियो में अपने ईगल को सिलेक्ट किया था यहाँ से, ठीक है? अब हम इसी ईगल को देख रहे हैं इधर से, और मैं सिंपल क्विक मास्क मोड में जाने के लिए आप सिंपल क्यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, क्यू। अब जैसे आपने कीबोर्ड से क्यू प्रेस करा, आप देखेंगे कि आपके जो कलर्स हैं वो रेड हो गया, जो सिलेक्टेड कलर है वो रेड हो गया, ठीक है? और जो दूसरा कलर था वो क्या हो गया आपका, मतलब कोई कलर नहीं ओरिजिनल कलर पे, बाकी जो आपने सिलेक्शन बनाई वो रेड हो गई, ठीक है? अच्छा, इसी से अगर हम चैनल में आते हैं तो आप देखिए कि हमारे पास नया चैनल ऐड हो गया क्विक मास्क के नाम से, और यहाँ से देखिए यहाँ से चेंज हो गए। अब आप दोबारा क्यूब दबाएं तो आप आउट हो जाएंगे उससे, और देखिएगा वो चैनल यहाँ से चले गया। सो क्विक मास्क मोड बेसिकली काम करता है क्यू से, क्यू प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा देखिएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं क्विक मास्क मोड में आने के लिए। क्विक मास्क मोड क्या होता है, मैं दोबारा से इधर क्लिक करता हूँ और अपने पैनल में आके इसको साइज को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? क्विक मास्क मोड बेसिकली मास्किंग कहलाती है या सिलेक्शन कहलाती है ब्लैक और वाइट एरियाज पे, ठीक है? अगर आप इस तस्वीर पे गौर करें तो जितना भी, अगर मैं इन सबको हाइड कर दूं और इसको मैंने ऑन रखा है, तो आप देखेंगे जो हमारा ब्लैक एरिया है वो हमारी सिलेक्शन थी, और वाइट, सॉरी, हमारा जो वाइट एरिया था वो सिलेक्शन थी, और ब्लैक एरिया जो था वो हमारा डी सिलेक्टेड एरिया था। हमेशा याद रखिएगा जो वाइट एरिया है वो सिलेक्शन है। सो हमेशा याद रखिएगा कि वाइट एरिया का मतलब है सिलेक्टेड एरिया और ब्लैक एरिया का मतलब है डीसिलेक्टेड एरिया, ठीक है? ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, मैं दोबारा से इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँगा तो आप देखिए चले गया और वो हमारे पास सिलेक्शन बनी हुई। आगे देखें, यहाँ से देखें यहाँ तक ये पूरा सिलेक्टेड एरिया चल रहा है आपका, ये डीसिलेक्टेड, ठीक है? दोबारा क्यू प्रेस करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप इस रेड कलर को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। तो मैं क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, ये देखिए इधर आ गया, सॉरी, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं वट एवर द रीजन यू लाइक। अच्छा, मास्क एरिया और वट एवर, ठीक है? अच्छा, इसी की तरह अगर मैं यही इसी क्विक मास्क को मैंने किया हुआ, और मैं ब्रश ले लूँ बी पे क्लिक करके, सो जिस तरह आप रेड एरियाज देख रहे हैं, तो इस रेड एरियाज को बेसिकली जिस जिस तरीके से हम इंक्रीज करते रहेंगे, इसकी सिलेक्शन में भी इजाफा होता रहेगा, सॉरी। सो बिल्कुल इसी के तरीके, अगर मैं आपके सामने ये जो सिलेक्शन है जो कि मैं क्यू दबा के लेके आया हूँ, अगर मैं यहाँ से देखिएगा ये जो कलर मैंने लिए हुए, और मैंने क्विक मास्क मोड की लेयर सेलेक्ट की यहाँ से, और थोड़ा जूम इन करता हूँ, अगर अब आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं लेट से वाइट ब्लैक एरिया, चूँकि ब्लैक एरिया है, दोबारा क्यू करके देख लेते हैं, देखिए ब्लैक एरिया है, ठीक है? तो ब्लैक एरिया को अगर मैं थोड़ा कलर करूँ यहाँ से, देखिएगा ये देखिएगा, ये देखना आप, ये बेसिकली मैं इसको कलर कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है? सिंपल ब्रश लिया मैंने बी दबा के ब्रश, एंड देन मैं इसको थोड़ा पेंट कर रहा हूँ, ये देखिए किसी किससे ब्लैक एक कलर से, एंड देन अब आपके सामने, अब मैं दोबारा से ये वो एरिया हो गया, मुझे थोड़ा सा ऐसे दबा लिया नजर आ रहा है, तो जूम आउट करता हूँ क्लियर हो जाए स्क्रीन, और यहाँ से मैंने, ठीक है, मैंने सिंपल इस पर ब्रश अप्लाई किया है, और शायद थोड़ा सा ये भी है, थोड़ा सा लाइक दिस इस तरीके से, और जरा सा इस तरीके से, ठीक है? ये है, और इसके अलावा
इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा इतना खास। यहाँ पर कुछ एरियाज हैं, ये देखिए कि जैसे कि ये एरिया हो गया। मैं आपको देखिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ किस तरीके से सिलेक्शन आपकी बनाई जा सकती है। देखिएगा मैं सिंपल इस पे पेंट कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। सिंपल ब्लैक कलर लिया हुआ है और मैं इसमें पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से दोबारा थोड़ा सा ब्रश छोटा करके दोबारा पेंट कर लेता हूँ, सॉरी अगेन, जरा सी सिलेक्शन को अपने कम करके इधर पेंट कर रहा हूँ, राइट। एंड ये वाले एरिया से थोड़ा सा पार्ट और, ठीक है ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे पास हो गया। अब अगर मैं इस सिचुएशन पे स्पेशली इस पार्ट पे, अब मैं दबाता हूँ दोबारा से क्यू, सो ये देखिएगा आपका ये वाला पार्ट बेसिकली जो आपके जो पर आ रहे थे जो कि काफ़ी मुश्किल सेलेक्ट करना, वो भी देखें सिलेक्शन में आ चुके हैं यहाँ पर। और जो नहीं आ रहा पार्ट उसको आप मैनुअली दोबारा से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। क्यू दबा के, क्यू दबा के दोबारा जिस तरह ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, तो मैं वाइट कलर लेता हूँ फ्लिप करके, सॉरी ब्रश भी दबाता हूँ और इसको फ्लिप करता हूँ, वाइट कलर आ जाएगा। और वाइट कलर से आप यहाँ से ये ले सकते हैं लाइक दिस, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप उससे भी कर सकते हैं आपका मैजिक वॉन्ड से, लेकिन उसमें काफ़ी मुश्किल है और ये चीज़ काफ़ी इजी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको सिर्फ मुझे बताना था किस तरीके से सिलेक्शन बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इस सिलेक्शन को हम लोग एक नए लेवल पर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।